नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का आज स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि बीर सिंहपुर पाली पावर प्लांट की आधारशिला देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 जुलाई 1981 को रखी थी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर यहां के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय सहित अन्य अधिकारियों ने अपने विचार साझा करते हुए सभी यूनिटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही परियोजना क्षेत्र के लिए बेहतर योगदान देते रहे इस सार्थक प्रयास पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों का सम्मान कर गौरव बढ़ाया। 20 जुलाई 1981 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस परियोजना की का शिलान्यास किया था, उसी का 43वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम ट्रेनिंग हॉल में किया था, जहां पर हमारे MD साहब का बधाई संदेश, साथ ही हमारे जो पुराने साथी गण हैं, अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, अब उस समय जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया उनका हमने आज सम्मान किया है। और अब हम ETP में 43 वृक्षों का वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। शाम को हमारे मेन द्वार पे और बिल्डिंग पे पूरी हम लाइटिंग करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आयोजन हमने बहुत कम समय में तैयार किया था और एक छोटा सा स्वरूप है, पर अगले साल हम इसको और भव्य रूप में हम करने की कोशिश करेंगे। सर, ये पहली बार ऐसा अवसर था जब यहाँ पर वृक्षारोपण मनाया गया, क्या कुछ प्रयास होंगे आगे की ऐसा सतत चलता रहे? निश्चित ही अगर मैं रहूंगा तो ये परंपरा लगातार जारी रहेगी। इसके पहले कब मना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ 1-1.5 साल पहले। बाकी इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार ये परियोजना का जन्म दिवस है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की प्राण रेखा है, तो इसको अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। इसलिए इसका सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। इसको भव्य रूप हम बहुत जल्द अगले साल भव्य रूप से करने जाएंगे। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना स्थापित करते जा रहे हैं, क्या कुछ प्रयास होंगे आगे और भी नए आयाम? निश्चित ही अब हमारे जो विकास चक्र की धुरी बहुत तेज गति से चल रही है। अभी जो हमारे ओवरऑल चल रहे हैं 210 मेगावाट के इकाइयों के, बहुत पुरानी इकाइयां हैं। इस बार हमारी पूरी टीम भरसक प्रयास करेगी और हम पूरे हमें विश्वास है कि हम 210 मेगावाट पर यूनिट्स को चलाएंगे। परियोजना की बात करें तो हमारे बहुत सारे नवाचार हुए हैं। आप कॉलोनी की भी बात करें तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, सेल्फी पॉइंट बना है। बहुत जल्द हम वहाँ पर ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, हॉस्पिटल में फ्रीजर, इन सब का अरेंजमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द स्विमिंग पूल का भी हमारे जो MD साहब आए थे उन्होंने वर्बली अप्रूवल तो दे दिया है, कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर दिया, उसका जैसे ही ऑफर आता है हम स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। इसके पहले ऐसा कभी आयोजन नहीं किया गया। ये मालवीय साहब की जो है ना दिलेरी है, या कहना चाहिए जो है ना बुद्धिमत्ता है, कि उन्होंने इधर ध्यान दिया। और वास्तव में ये दिन हमको दीपावली जैसे मनाना चाहिए। ये कर्म भूमि बनी है। 43 साल पहले यहाँ से सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लड़के बच्चे, बड़े बड़े कलेक्टर, SP, तहसीलदार और आपके जो है ना वैज्ञानिक तक बने हैं, IIT जो है ना कॉलेजों में गए हैं, बड़ी दूर दूर तक कितने जो है ना, ये हमारी कर्म भूमि है। 43 वर्ष पहले जो बनाई गई थी, इससे बड़ा त्योहार कोई हो ही नहीं सकता। इस त्योहार को दीपावली जैसे बाजे नगाड़े के साथ धूमधाम से मनाना चाहिए था। पहले के प्रबंधन में और अब के प्रबंधन में क्या कुछ अंतर दिखा और क्या बदल दिखा? अब के प्रबंधन में ये देखने को नजर आ रहा है कि जो है ना इन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। पहली बार ऐसा जो है ना आयोजन हुआ है, अति प्रसन्नता हुई। हम उनकी भूर भूर प्रसन्नता करते हैं मुख्य अभियंता महोदय की।